है भजन ये नरदेव बेनी वाले भजन ये तुरंत बना के गाया है स्वर्गीय खजान से यादव ने द्वार स्वर्ग का पाया है स्वर्गीय खजान से यादव ने द्वार स्वर्ग का पाया है पूज्य पिता की बरसी पे पूज्य पिताजी की बरसी पे आज सारा गांव जमाया है स्वर्गीय खजान सिंह यादव ने द्वार स्वर्ग का पाया है ओ वेदु देवर जी भाभी देवर जी हेलो तू मेरा ब्याह करवा दे तेरे हालात हैं शादी करवाने लायक सारे दिन सारी रात तू हाई हाई करता फिर है तेरी बहू तक क्या कहेंगे हम कहीं छोरा कुछ नहीं करता हाई हाई के अलावा एक बात और है इसको कमाना खाना भी पड़ता है सुषमा जी हाँ जी इसको बुलाते 9 बजे आता 12 बजे है हाँ और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा इसलिए तेरी शादी नहीं हो सकती तू कुछ भी कर भाभी ये क्या हो गया कुछ भी कर तेरे लिए मेरे लिए कान के मेरे लिए दिलवाएगा कान के ले आज तक तेरे भाई ने तो कत्तर नहीं दिलवाई तू तो जब दिलवाएगा तू कुछ भी कर तू दिलवाएगा कान के बिल्कुल दिलवाऊंगा अजी हाँ सच्ची एक नहीं दो जोड़ी हाँ। चल अच्छा बता कैसी लड़की चाहिए लड़की हाँ तू सोनम जैसी दिवा दे सोनम जैसी या सोनम ओए होए होए मौज हो जाओगी ये सोनम तो बुक है इसकी रजिस्ट्री होने वाली है रजिस्ट्री बाद में करवा देंगे पहले ब्याह करवा दे यानी कि तुम माने नहीं नहीं मानूंगा चल तेरी शादी करवा देंगे हाँ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके अलावा तुझे हाँ तेनिया 4 जोड़ी सूट सिलवा तू सिलवाएगा हाँ। सच्ची तेरी माँ को कितने कितने साल हो गए 4-5 साल हो गए गाते गाते तो हर प्रोग्राम में नहीं बोले तू कुछ भी कर आज तक सिलवाया एक भी सूट नहीं सिलवाया हेलो तैने आज तक इसके बारे में कुछ सोचा आज तक यूं ही कहे हर साल हर प्रोग्राम में अब भी झूठ बोलती है मासा जी ना मैं तो कोशिश करूं मगर आज चैलेंज है आज के प्रोग्राम में दादा खजान सिंह की सौगंध या तो इसके ब्याह करवा आज करवा इब्बे करवा और नहीं तो सारे नियम तोड़ के ये आधा साझा कर बैठेगा भाभी में और सुन मेरी बात हाँ आइए गुरु जी तो क्या अपनी बात है ओ हो अच्छा अच्छा मुझे समझाने की बजाय अगर पूरी जनता में से किसी ने भी एक ने न्यू कह दी ना कि भाई हाँ भाई इसकी शादी करवा दो छोरा लायक है तो भगवान की कसम कल तेरी शादी करवा दूंगी भाई एक बार हाथ ठा के दिखा दो गुरुजी देख ले मेला लग गया मेला नुक्या लाया बारात लाया अच्छा सहरा सजा के आया उसको भी आने आया आई बोला घोड़ी पे चढ़ के आया अच्छा गोती नाती संग लाया कुन वाली है बैठा है दुल्हन बनाने आया आई तेरी इस हाई हाई से बहुत परेशान हूँ मैं ये मने मिलेगी लुगाई ना मिले ये हालात रहे तो ना मिले ओए राम जी अरे मैं तो बटूंगा मिठाई ओए राम जी रुक जा सुन तेरे डिपार्टमेंट ने हाथ उठाया अगर मेरा डिपार्टमेंट कह देवे कि इसकी शादी करवा दो तो बात नहीं करवा दूंगी एंटी सारी कह रही हैं ये भी ये सारी राजी हैं है? हाँ, सारी राजी किसी है? का घर बस जावे तो इन पे के जोर पड़ रहा है सुषमा जी ये एक नहीं है दो भाई हैं दो एक और है सही तेरा जैसा एक और भी एंटी भी वो रजानी
का रात लाया, चेहरा सजा के आया, उसको भी आने आया हो। अरे घोड़ी पे चढ़ के आया, गोदी दादी संगलाया, दुल्हन बनाने आया हो। भाई भगवान की कसम, मुझे तो कभी कभी शक हो गया कहीं लड़का गलत बना दिया। इसमें सारे गुण लड़की वाले। और मन नहीं लगी लुभाई, ओ बतू बतू बताई, ओ राम जी। तू तो फिर भी ठीक है, देखे मेरे पे तो ये रवि भी ना चिले। होए अलग होए 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 अच्छा हाय 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 पर तम 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 तारे तम 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 हो तारे तमे तेरी पायल छम छम बोले क्या क्या तेरी पायल छम छम बोले ओ अंगे नामे मोरी निशी डोले अंगे नामे मोरी निशी डोले छेड़ूंगा पद सजनी डोंट टच शर्माई के घुमटा खोले छेड़ूंगा पद सजनी शर्माई के घुमटा खोले लगी जब उसके उंगली लगी जब उसके उंगली हुई उसके खूब गुलगुली हुई उसके खूब गुलगुली वो धीरे ते मुस्का के करेगी बात चुलबुली वो धीरे ते मुस्का के करेगी बात चुलबुली ये थोड़ा प्यार होगा तेरा प्यार होगा जिगर के पार होगा जिगर के पार होगा मेरी आंखों के आगे मेरी आंखों के आगे मेरा दीदार होगा मेरा दीदार होगा छेड़ूंगा तुझे सजनी शर्माई के घुमटा खोले छेड़ूंगा तुझे सजनी शर्माई के घुमटा खोले अरे नया बारात लाया चेहरा सजा के आया उसको भी आने आया घोड़ी पे चढ़ के आया रोटी नाती संग लाया दुल्हन बनाने आया दिल दिल भाई ओ राम जी मेरे पास में रुक जा कहीं पेप्सी भैया ही चाहिए तू नहीं बता तेरे भाई की शादी करवा दूं पेप्सी की शादी करवा दूं नो कहते बेटा करवा दूं शादी करवा दूं हैं सच्ची जी हई अरे हई अरे हई ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे घाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी के खा जो तुझे जान में हुआ है बुरा हाल ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे घाल I don't disagree my discipline काय को घोड़े की तरह कूद रहा है इतना और अब की बार करो ना तो ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया पड़ गया ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे अरे हई अरे हई अरे हई अरे 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 ये छोटे से बाबू की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार इधर आ न्यू कह रहे हैं
अगर बात सी बने तो जयमाला का ऑर्डर दूं? करवा दे काम ना। किलमी दी किमनी किसे लड्डू से फूटे? मैं पिलंग पहले तू जाके, मैं पिलंग पहले तू जाके, वाह आई ना शर्मा के, वाह आई ना शर्मा के, धीरे ते पैर दबा के, फिर मेरे ते बोली मुझे पाके, धीरे ते पैर दबा के, मुझे बोली शर्मा के। बनेगी सेहत अपनी, बनेगी सेहत अपनी, करेगी सेवा पत्नी, करेगी सेवा पत्नी, बना के सिल पे चटनी, बना के सिल पे चटनी, होएंगे कई बच्चे, कई बच्चे, बटेंगे दिन भी अच्छे, बटेंगे दिन भी अच्छे, मेरे तेरे, मेरे तेरे, होएंगे कई बच्चे, कटेंगे दिन भी अच्छे, किसी का पट्टे पजामा, किसी पे ना हो कच्चे, अब बताओ करवाऊं शादी? अरे किसी का पट पजामा, किसी पे ना हो कच्चे, किसी का पट पजामा, किसी पे ना हो कच्चे, अरे लाया बारात लाया, चेहरा सजा के आया, उसको भी आने आया, अरे भारी पे चढ़ के आया, वो भी नाती संगलाया, दुल्हन बनाने आया, रुक जा, तू इतना घोड़े की तरह उछल रहा है, हैं? तेरे को नाचना आवे? तेरे को नाचना आता? तेरे तो बढ़िया ही आता होगा। तेरे तो मैं भी बढ़िया कर देता हूँ। ओहो, तू कर देगी? और क्या? कम हूँ तेरे तो? मैं तेरे तो कम हूँ? मैं तेरे तो कम हूँ? हो जाओ। हाँ बता, तू अपना डिपार्टमेंट ले ले, मैं अपना ले ले। आ जा। मैं जीत जाऊं तो ताली बजाइयो रे। बजाओ। मैं जीत जाऊंगी ताली बजाइयो रे। मैं जीत जाऊं भाई, ताली बजेगी नहीं बजेगी? ये देखियो, ये तो अरे तुम भी कुछ बोल दे हो, कैसे तुम नाक से कटवा रहे हो। मैं जीत जाऊंगी ताली बजेगी ना बजेगी? मैं जीत जाऊंगी ताली बजाइयो। हे एक बार तुम भी ताली बजा के दिखाओ। मिल मिल रवि, रवि से आ जा तो चल। आओ जी कंपटीशन। हाँ ओ हो, खूब करा। अब तू आ जा। नहीं किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा है। आइए मार सकते हैं। ओए हो, जोरदार तालियां, क्या बात है? ओ हो, तू नाच रहा? मेरी सच्ची बताइयो, ये नाच रहा या बाबा रामदेव की योगा कर रहा है? भाई जी तो लग रहा है ना, लग रहा है, लग रहा था। एक बार जोरदार ताली बजा दो गुरु जी। छोटी सी
₹50 का सम्मान कर दे। क्या दे लास्ट? जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 19 से भारी उम्मीदवार जवाहर सिंह यादव सनोप बालकिशन जी, ₹1100 देकर पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आइए आगे ना आ जा। हाँ हाँ बोल, सुन रही हूँ मैं तेरी बात, बोलता रहे। होए 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 हाय 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 अरे दम 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 हो तारे दम 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 अरे दम। तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, चल चल, तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, तेरा साथ कभी ना तोड़ूंगा, तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जब जावेगी बिहार को ऐसे जाऊं मैं पीछे तह दौड़ूंगा, जब जावेगी बिहार को मैं पीछे तह दौड़ूंगा, तेरी हर बात बनाऊं, तेरी हर बात बनाऊं, मिठाई खूब खिलाऊं, मिठाई खूब खिलाऊं, बरोलापुर ले जाके नवेटा शहर घुमाऊं, बरोलापुर ले जाके नवेटा शहर घुमाऊं, प्रियंपल चुन के है गाना, प्रियंपल सुन के गाना, भूल जा पीना खाना, भूल जा पीना खाना, जो पेप्सी खुल के गावे, पेप्सी खुल के गावे, राग देसी हरियाणा, राग देसी हरियाणा, हेलो पेप्सी खुल के गावे, राग देसी हरियाणा, हेलो पेप्सी खुल के गावे, राग देसी हरियाणा। अरे दाया परात दाया तेरा सजा के आया, उसको भी आने आया हो, हस्तनापुर की मेरी सभा में स्वागत है। कहिए ये सभा कैसी लग रही है पांचाली? ये बाद में बताऊंगी जेठ जी कि आपकी सभा मुझे कैसी लगी। वाह, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मुझे का अंधा कहने वाली आज जेठ मुझे पहले ये बताइए कि सभा में मुझे क्यों बुलाया गया? आज जेठ जी कह के संबोधित कर रही है। मुझे ये बताइए कि आज इस द्रौपदी को इस तरह से सभा में क्यों बुलाया गया? तेरी इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि तू हमसे प्रश्न करे और हम तेरी बातों का जवाब देंगे, लेकिन फिर भी तुझे इसलिए बुलाया गया है हस्तनापुर की सभा में, सुनिया है कि तू बहुत अच्छा नृत्य करती है, नृत्य नृत्य का है, हम चाहते हैं कि हस्तनापुर की सभा में आज तेरा नृत्य हो और सभा देखे, इसलिए बुलवाया गया। कुछ दिल की ख्वाहिशें थी वो सब पूरी करनी है, दिल की तमन्नाएं थी वो हसरत दूर करनी है, क्योंकि जिन आंखों को तूने अंधे का अंधा कह के बोली थी, एक बेगौर से देख उन आंखों को नई बनवा के आया हूं। जेठ जी, मैंने देख लिया है कि सभा किस तरह की है आज, लेकिन मुझे एक दिन जब मैंने मजाक में आपको अंधे का अंधा कहा, उस बात पर ही कतई पछतावा नहीं। और रही दूसरी बात, ये मजाक था तेरा, तुझे नहीं पता है कि तुमने क्या कर दिया है, तुमने किस चीज की शुरुआत कर दी है, यहां तक मुझे सभा में जो बुलाया है इसका परिणाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो आगाज किया है, अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले मैं जो कह रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुन,
क्या कहा तूने? मैंने तो मजाक किया था। हाँ मैंने मजाक किया। दुनिया में तू पहली ऐसी औरत है, पहली ऐसी लुगाई है जो जेठ के लिए मजाक करती है। अरे ये जो फिरनी हिरनी हुआ करती है ना आसमान के अंदर, जेठ के महीने में तो ये भी नहीं निकलती। मैंने जेठ के साथ में मजाक किया, वो मेरी भूल थी। और जो तुम कर रहे हो, छोटे भाई की बहू अपनी बेटी के समान होती है, तुम क्या कर रहे हो? तू बहू नहीं, अपने अंदर झांक के देखा आपने? तू निश्चित इन पांडवों का सर्वनाश करके बैठेगी, छोड़ेगी नहीं। पांडवों का सर्वनाश हो या ना हो, लेकिन कौरवों का सर्वनाश ये निश्चित है। हो रे द्रौपदी इनकी कर पहचान, ध्यान दे वो मन नहीं रे आंख बनवाई, तू इनकी कर पहचान ध्यान हो नहीं रे आंख बनवाई, तू इनकी कर सही। लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, आंख नहीं बनवाई तुमने, मतलब ये हकीकत है कि तुम्हें वैसे तो दिखाई देता नहीं, कोशिश की एक नई बनवा ले फिर कुछ दिख जाए। तेरे हिसाब से चल रहा हूं, तेने इस आंखों को अंधे का अंधा कह के संबोधित किया था, तेरे लिए तेरी खातिर ये महफिल भी नई तरीके से सजी है और ये आंखें भी नई है। नई बनवा ले और चार आंख लगा ले, लेकिन जिसके हृदय के अंदर जो अंधकार भर जाए ना उसे कुछ नहीं दिखाई देता फिर। अहंकार नहीं है, ये छत्रापण है। छत्रापण नहीं, ये कायरता है। सुन मेरी बात, हमें कायरता वीरता का पाठ पढ़ाने वाली तू होती कौन है? अपनी तरफ देख, ऐसी तो कर दूंगा, ऐसे हालात बना दूंगा, दुनिया में खाने के लायक तो रहेगी पर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। यही तो भूल कर रहे हो जेठ जी कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं कौन हूं सुन ले। वो सच कह रहे मैं दोष नहीं, सच कह रहे मैं दोष नहीं, वो जेठ जी ना बोलूं झूठ मेरे ना समाई होती, कैसे भरू सबर के घूट, पहले तो कुछ दिखे था आज रही की गई तेरे फूट, पहले तो कुछ दिखे था आज पिए की गई से फूट। अरे मेरा ना करके छोड़ू बारह, मन अंधे का अंधा कहगी दिल्ली में लगा के हाट, आगे न मत बोवे न सन पछला बोया नीचे काट, आगे न मत बोवे न सन अरे पछला बोया नीचे काट। हो मन जैसा यो हो दी अभी, जैसा यो को दिया भी जली जग में कर लूंगी आपे कटाई, तू इनकी कर पहचान। ओ भाई बहुत अच्छे,
काट लेगी तने जैसा बीज बोया उसे। मुझे पता है मैंने क्या बोया है। पर पापन डायन डंकड़ी पिचासनी तने बीज सा बो दिया, तू अपनी तो बात छोड़, या पांचों पंडप भी कोई नहीं काट सकते। तुझे पता है ना डंकड़ी हूँ मैं, तुझे पता है डंकड़ी हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन से तू हस्तनापुर में आई है ना, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया नागनी के पिटारे को छेड़ के, अब तो डसेगी। इस नागनी के फन को न्यू कुचल दूंगा, न्यू जहर कोई नहीं छोड़ू इसमें। सुन ले टाकर, मारे बोली के तीर सभा में बुलवाई गई, तारने को तेरा चीर, नंगी चांद दिखाई जागी, देखेंगे सब नगन शरीर, नंगी चांद दिखाई जागी, देखेंगे सब नगन शरीर। वो कोई नहीं रोका टोका, हो मेरे करे रे जिगर में घाव हो, वो करे घाव हो, मेरे करे रे जिगर में घाव, राव के नाम करती ही असरे दवाई, तू इतने की करे की कोई दुनिया में दवाई नहीं। चलो मैं तो इतने में बहुत खुश हूँ कि एहसास तो होया तेरे एक भी घाव लाग चुके हैं मेरी तरफ पे। रवि आजा, ये तुम तो मेरी तरफ थे। रवि यादव और रवि यादव यूं करे, आज कोई कसर मत छोड़े, कर पांचाली नगन, हम भी नाचेंगे। पहले भी मैं तो इस बात पे मेरा बड़ा सुकून होया है जेठ जी, अब चल मेरी जो बात है उन ते तेरे घाव हो गए शरीर में, और न्यू बता दे जब मैं वार करूंगी तो तेरा क्या होगा। क्षत्रियों का कर्तव्य होता है घाव खाने का, क्षत्रिय कभी मरहम नहीं लगाते, जल मूंड से समाप्त कर दिया करते हैं रोग को। पता है जब गिदड़ा की मौत आवे ना, जब गिदड़ा की मौत आवे है तो वो गाँव से ही भाग्या करे। और पांचाली न्यू रोवेगी, न्यू पछतावेगी, न्यू करेगी बाद में, न्यू क्या करेगी तू नहीं जानती, कोई जानता। सभा में बुलाई सू, सभा में बुलाने ते इब देनी पड़े खून की भेंट, वीर गेल बैर करया और डूब के मरा ना जेठ, वीर गेल बैर करया डूब के मरा ना जेठ, मन नहीं
तन्ने करी छेड़ छाड़ सहनसहा की इज्जत तारी सहनसहा की इज्जत तारी तेरा दूंगा नखरा रानियों की बांधी रहले जन्म जन्म की मिट जा राडे रानियों की बांधी रहले जन्म जन्म की मिट जा राडे दिख्या हाँ दिख्या रे दिख्या जेठी बहू का बैर हो बैर बैर हो दिख्या जेठी बहू का यू बैर खैर बार बहारे रही मन जाई तू इनकी करे संतुष्टि हुई या और कोई प्रश्न जहन में बाकी है? बहुत कुछ बाकी है पर न्यू सोच रही हूँ एक कहावत है कि ढोर के आगे बीन बजाए तो कुछ नहीं होना। थारे तक परमात्मा ने उस ऊपर वाले ने ये जो ढांचा है ना यो मनुष्य का दिया है, इसमें जो भेजा है ना वो तो जानवर का भर दिया है। न्यू क्या करते हैं सजनों, पल्ले में कोयले और नाम दौलत राम, सोना झोंपड़ियों में और सपने शीस महल के। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, और तेरे जैसे मूर्खों पे मैं अपना जो ज्ञान ये तो अब दो मिनट में फैसला कर दूंगा कि मूर्ख कौन है और अच्छा कौन है, और तुम ही रहोगे। पर एक बात बता दूं पांचाली, पांडवों को तो लेके बैठी गई तू, अपना भी सत्यानाश कर लिया, बाकी इनका कुल बेल वंश सबको खत्म करके बैठेगी। पांडवों की चिंता ना करो, अपनी सोचो अपनी की तारा के हो गई। और क्या कह रही थी, खैरी कहाँ रहे अन्यायी, बिल्कुल नहीं रहने की। मैंने आज तक कभी अन्याय नहीं किया, मैं तो धर्म के रास्ते पे चला था। धर्मात्मा, पर जिस दिन तक तू आई है ना, तू आई है जिस दिन से, उस दिन से पांडव ते रहती जरूर कर दिया तन्ने। और आज इनकी औकात भी नहीं है ऊपर को गर्दन कर सके, चुपचाप बैठे। मैंने पता है तुमने के ग्रहण की गल, मैं समझी। अरे मन के अन्याय करया, मन के अन्याय करया, तल्ले ही बिगाड़ी बात, कौन है हिमाती तेरा, भरी बैठी है पंचायत, तू शासन तू चीर तार ले, अरे तू शासन करण विकर्ण इसका चीर हरण कर दिया जाए। पागल होली कह रहे हो, पागल होली कर दे, पागल होली दुशासन। ये मेरा आज्ञाकारी भाई है, आज्ञाकारी नहीं, ये मूर्ख भाई है तेरा, यो मूर्ख है मूर्ख। पांडव ऐसे बैठे हंस रहे जैसे यो संगीतकार हंस रहे ना, ये पांडव ना हंस रहे, ये तेरी सभा तेरे जैसी। कौन है हिमाती कोई बोला तो नहीं? अरे बोलेगा नहीं, देखा बादशाह की, देखा बादशाह की जवान का जोहर, बादशाह की हुकूमत देखा तेरे जीजा के सामने। तन्ने ही बिगाड़ी बात, कौन है हिमाची तेरा, भरी बैठी है अनजात, अरे तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ, तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ, मेरे चीर के ना हाथ लगाइए। हो दूंगी
कौन खेले किसकी हुई जीत हार मैं हराई जुए मैं किसने किसको मेरा अधिकार जुए मैं हराई किसने किसको मेरा अधिकार ओ कहे गोरी संग कर लाल ताल स्वर में तीरू करे तवताई तू की करे पहचान बिल्कुल भी देर नहीं होगी पंचाली दुशासन खामोश होके बात कर क्या तेरे भेजे में इतना भी नहीं है कि एक युवराज का नाम नहीं लिया जाता और तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि बड़ी भाभी को इस तरह से नहीं बोला लेकिन तू भाभी ना पहले थी ना आज है और आज तो तू जुए में जीती हुई एक दासी से भी छोटा दर्जा रखने वाली एक मामूली सी औरत है मैंने इस साल आके भांग भांग चढ़ा के आया है हम क्षत्रिय हैं हम भांग नहीं पिया करते अरे किसने जीत ली जुए में किसने लगा दी जुए के दांव तेरे पांचों जुआरी पति तुझे जुए में हार चुके हैं और तू हमारी दासी हो चुकी है मेरे पांचों पतियों ने तुम्हारे साथ में जुआ खेला इसलिए अभी और इसी वक्त मेरे साथ हंसना ए हट तूने कह दिया मैं चल पड़ूंगी क्यों नहीं मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ पहली बात तो ये बताओ कि मेरे पांचों पति ने जो मेरे पांच पति हैं उन्होंने मुझे जुए पे लगाया पहले मेरे पति हारे या पहले मुझे उन्होंने हराया था इधर आ सामने आगे ने बता तेरा मेरे पांचों पति पहले हारे या पहले दाव पर मुझे रखा था पहले वो अपने आपे को हार गए उसके बाद तुझे हार गए फिर उनको किसने हक दिया वे हारे के बावजूद उन्होंने मुझ पे दाव मेरे को दाव पे रखा और तू लेने के लिए आ गया और तेरे हिसाब से मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी नहीं दादाजी ध्यान तो सुनियो इसने प्रसन्न तो बहुत बढ़िया कराया है अगर जब वो अपने आपे कोई हार गए तो मुझे अरे मैं क्यों मान लूं कि मेरे पांचों पति जुए के खेल में हार चुके हैं पहले पहले उसका जवाब दे दूं और जब हार भी चुके हैं उन्होंने मुझे बताओ पे लगा दिया तो वो हक उन्हें कहां से रह गया कहां से रह गया मेरी भी एक बात का जवाब दे न्यू बता हाथ मत लगा ना कुट जाओगे मेरे पति जब वो जुए में हार गए तो तेरा मतलब है कि वो तुझे दाव पे नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते उसके बाद तू उनकी लुगाई नहीं रह गई होश में होके बात कर ले होश में ही होके बात कर रहा हूँ बेहोश नहीं हूँ तमीज सीख ले थोड़ी सी बड़े छोटे से बात करने की अगर नहीं है तो दो चार दिन अगर उसके बाद तू उनकी पत्नी धर्म पत्नी उनकी औरत उनकी लुगाई है तो वो तुझे जुए पे लगाने के अधिकार रखते हैं और खैर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं सीधी सी बात यह है बड़े भाई दुर्योधन यानी कि हस्तनापुर के होने वाले राजा दुर्योधन ने तुम्हें हस्तनापुर के सभा में याद किया है मेरे साथ चल जाकर अपने बड़े भाई युवराज ने कह दे अगर कोई काम है तो मेरे पास ही आके बोल ले खामोश मेरा क्रोध साथ में आसमान पे पहुंच जाए उससे पहले तेरी खैर इसी में है कि चुपचाप बड़े प्यार से मुझे लगता है कि तुम्हें कौरवों ने मिलके ने कोई जाल इस तरह का बनाया है कि मेरे पांचों पतियों को उसमें फंसाया है उसमें तू भी फंस चुकी है लेकिन दुशासन ने अगर तेरे भाई युवराज को कोई काम है तो यही आके बता सकता है क्योंकि मैं राज दरबार में नहीं जा सकती इस समय या तो तू चली चल राजी राजी या तो राजी राजी चली चल और ना तो इस समय युवराज दुर्योधन नहर पे बैठा है और नहर यहाँ से 15 किलोमीटर है रोड टूटा हुआ है तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा खून छिलछिलाते चलेंगे दुशासन तुम्हें नहीं पता है तुम अभी खैर बच्चे हो तुझे पता नहीं है मेरा रजोशला का भेष है तो मैं राज दरबार में नहीं जा सकती चाहे कोई भी भेष हो या कोई भी प्रवेश हो हर कीमत पर तुझे हस्तनापुर की सभा में चलना पड़ेगा और ना जाऊं तो मैंने बता दिया अगर तू राजी नहीं चाहेगी तो देख मेरा करिश्मा क्या हो जाएगा करिश्मा करे हाँ तेरी सुन ले बात
लगी क्यों? क्यों? क्योंकि अंधे का अंधा याद करे। दुशासन है, कई दिन तो थोड़ी सी हरकत सी हरारत सी चल रही मेरे शरीर में। अरे मन्ने तो जड़ी थी ध्यान था कि जो हमारे ससुर जी हैं बड़े भगवान है कि करनी से शायद वही अंधे हैं, ये तेरे भाई भी अंधा हो गया। तना अंधे का अंधा क्या है, कहीं तेरे भाई तो ना होगा। पहले ही तो बोल दिया था, आज यूं पूछा जैसे अनजान हो। नहीं तने कहीं अंधे का अंधा याद करे। देखो जी आज तो ऐसे ऐसे बात करे जैसे तरोताजा हो गया अंधा। ऐसे बात करे जैसे नई नई लुगाई पहली बे आके ताई बड़ी शर्मा में है और 10 दिन बाद बम बरसावे वा। हाँ तो तूने कही अंधे का अंधा याद करे, कौन सा अंधा हो गया थारे? वो अंधे का अंधा जिसे तूने बोली के तीर मारे थे। अरे मन ने किसका तीर मारे? इंद्रप्रस्थ के अंदर। अरे मन ने किसी के कुल्हाड़ी ना मारी, कुछ ना कही मन ने किसी तय। आज मजा भी चखा देंगे, बता देंगे एक अंधे का अंधा कहने का परिणाम। ये ले रवि यादव के 100 रुपए। रवि यादव जिंदाबाद। हाँ और हस्तनापुर की सभा में यो तुम्हें जितने भी 101 पैदा कर रखे तेरी माँ ने। हाँ यो एक ही लायक बालक है उनमें से। इसने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा है कि ला पांचाली को पकड़ के और नग्न करके हस्तनापुर की सभा में नचा दो। तुम चलने नहीं देते, ये तो बहुत मना कर रहे हैं। श्री करमपाल यादव जी जो दिल्ली से चल के आए हैं वो 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय श्री सुंदर यादव जी समयपुर से चल के आए हैं, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और तू ते द्रोपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। हो सभा में जाने लायक ना मेरी है, क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी है, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अरे द्रोपद चाल मेरे संग में, द्रोपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। जब तेरा द्रौपदी शर्म नहीं, थोड़ा सीढ़ा कर ले मुंह जड़ जागा, खाया करते गर्म नहीं। तेरी इन बातों ते मेरा द्रौपदी हिया हो नरम नहीं। बहु बेटी न बुरी तको सो तम, बहु बेटी न बुरी तको सो यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी न बुरी तको सो यो छतरी का धर्म नहीं। और मने हलकारा मत जाने, और मने हलकारा मत जाने रे, मत ज्यादा बकवाद करे। तेरे सिर पड़ जाएगी तू ससन पतला घड़ी अमाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, पूरी चतर बात करे। Oh,
डॉक्टर सतपाल यादव जी 500 रुपए का इनाम दे रहे हैं, लेकिन याद कर द्रौपदी, सतपाल मास्टर जी भी आज तुझे नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? बता क्यों नहीं बचा सकते? आज तूने अभी कहा था कि तेरे सिर पड़ जाऊंगी दुशासन, मत ना खड़ी अनाद करे। बिल्कुल सही कहा। आज तेरे हस्तनापुर दरबार में जाने से अनाद खड़ी हो जाती है, बहुत घड़ी हो सके। अरे इन बातों का ख्याल उस दिन नहीं किया जब अपने पिता सरी के जेठ को बोली के तीर मारे थे, ओ जहरीली, ये जहरीली बाणी तुझे डुबो के छोड़ेगी। उस दिन तुझे लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई जब पिता सरी के जेठ को अंधे का अंधा कह के बोली थी? तुझे पता भी है, मतलब इतना तो तुझे पता है कि मैं जहरीली हूँ। हाँ तो जहरीली लांगड़ के पिटारे ने छेड़े नहीं करे, अच्छे बच्चों की तरह दूर से ही किनारा कर जाए। जो जहरीली लांगड़ होती है सबसे पहले उसके दांत तोड़े जाते हैं, दांत बगैर जहर की कर दी जाती है वो। दुशासन मने ने सच्ची कदे कदी ने तेरी माँ पर सको है, गंधारी ने धारी तो कोई अकल दी को नहीं। गंधारी ने बहुत अकल दी है, ये दुशासन बेअकल नहीं है, ये जोनी और दुशासन दो आदमी बहुत अकलमंद बैठे यहाँ। और सुन अपनी खता बताई नहीं, ओ मेरे जितनी और किसे मैं देवर मिला समाई नहीं, तन मेरे जितनी और किसे मैं देवर मिला समाई नहीं। पर तेरे ते ज्यादा, तेरे ते ज्यादा महारे कुल में, पर तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में कोई अरबद जात लगाई नहीं। तोड़ दूंगी पासवान है, मैं तुम्हें सोचो छोटा देवर है, बालक के समान है, मान जाओगा, पर बदतमीजी जी की याद होया करे। जैसे रावण के शीश कटने के बाद और शीश आ जाते थे, ऐसे भी मैं 1500 ले रहा हूँ। पैसे ले रहे हो, डेढ़ बच रही है, इन्हें बचा कर रख, पैसे ले। नहीं वैसे ही कांप रहा है या बीमारी है? अरे ऐसे कांपेगी थोड़ी देर बाद जैसे यो बाबा कांप रहा था 200 रुपए। कांप ना रहा,